आकर परेशान कर दिया। जिंदगी ने सैकड़ों सामा किए, मौत ने आकर परेशान कर दिया। फिर भी मैं तुझको नहीं पहचानता, फिर भी मैं तुझको नहीं पहचानता। के बाद हम लोग केट्स पॉइंट में थोड़ी सैरो तफरी किए। दर्रे दर्रे से आया है इंकलाब, लम्हा लम्हा पर बदलती है हवा। फिर भी मैं तुझको नहीं पहचानता, फिर भी मैं तुझको नहीं। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग डेलीगेट्स अपने अपने रूम में चले गए फ्रेश होके। फिर हम लोग नाश्ते के लिए आए। बच्चों ने नाश्ता किया, नाश्ता करके अब जो प्रोग्राम चालू था तीसरे दिन वो था सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। एक टॉपिक था वो हमारे जो स्पीकर है उनको कवर किए। फिर बाद में टॉपिक था जो हाउ टू प्लान करियर के ऊपर, कि बच्चों को ये गाइडेंस दी जा रही थी कि अपना करियर चुनते जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज के इस एरा के अंदर जहाँ हम सांस ले रहे हैं। उसके अंदर ये बताया गया है कि बच्चों को जब करियर चुनते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हमको अपना करियर किस तरह से चुनना चाहिए। जो स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके करियर के रिक्वायरमेंट्स, उनके एडोलेसेंस एज में जो उनके इश्यूज हैं उस पर भी गाइडेंस की ज़रूरत है। ये भी एक कैंप केटर करता है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है, काउंसलिंग होती है। यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है, इंजीनियर्स अवेलेबल है, आर्किटेक्ट्स हैं, हर तरह के हर फील्ड से यहाँ पे लोग अवेलेबल है। तो करियर गाइडेंस के जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर उनके जो स्टूडेंट्स के जो डाउट्स होते हैं करियर से मुतालिक वो भी उनको दूर किया जाता है और एक ऐसा रास्ता बताया जाता है कि इस्लाम के अंदर करियर चुनना, करियर और इस्लाम कितना इम्पोर्टेंट है, दोनों कैसे एक साथ में चल सकते हैं वो बताया जाता है। और इस कैंप को हम हमेशा ऐसा रखते हैं कि स्टूडेंट बोर ना हो, इसमें उन्हें घुमाया जाता है और बिल्कुल एंड नेचर के बीच में ये जो यहाँ का फ्लोरा और फौना है इतना ज़बरदस्त है कि ये पूरे इंसान के स्पिरिचुअल डायमेंशन को अपील करता है। इस एक नेचुरल इन्वायरमेंट में हम जब उससे वो बात कहते हैं तो हम देखते हैं कि जितने स्टूडेंट जो इस कैंप को अटेंड करते हैं चार दिन के बाद उनकी कैफियत ज़बरदस्त बदल जाती है। Watching the new moon sighting, it felt like a good enlightening. This day is alright, as the first thought we hit the night. With family around a nice meal, we're making do our night feel. How nice it is to be so near to those I love. Whenever we think of Ramadan, all the good things that we need to do and plan, it's not always easy, but we'll do the best we can. Now that evil's wrapped in chains, only the very best of us remains. We feel the serenity with faith in the Almighty. It's time for charity, for love and unity, for peace and mercy, we can do this easily. A time to see how beautiful Islam can be. Thanks to peace and mercy, we can do this easily. Ya Ramadan, we need to say goodbye. Your departure is soon and we'll try to hold on and make it better every day. By helping others we intensify our love for Allah, we glorify. We focus on the future, our deen is our cure. Ya Allah, purify our souls, attaining paradise is our goal. We'll continue to obey you and make the best.
अरेंजमेंट जो है हमारे कुछ बहुत ही होनहार साथियों ने यहाँ पर एक दो दिन पहले यहाँ पर आकर सारे इंतजाम तय किए और बुकिंग किया, होटल कॉटेज बुकिंग किया, और हमारी खाला जो है यहाँ पर बैठी हैं जो दिन रात यहाँ पर लगी हुई हैं काम में, उनके साथ में बातचीत करके सब तय किए उन्होंने। और माशाल्लाह इनको तजुर्बा भी बहुत अच्छा, काफ़ी सालों से हम इन्हीं से खाना बनवा रहे, खाने में भी बहुत ही जायका होता है, साफ़ सफाई होती है, कोई खामी नहीं आई आज तक। एक दिन पहले आए हैं यहाँ, और यहाँ आने के बाद हम लोग ने होटल का अरेंजमेंट उसके साथ क्योंकि वहाँ से आते हैं तो यहाँ होटल में अगर आप खाना के लिए करोगे तो वो ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ लोकल लेवल पे यहाँ के जो खाला लोग हैं उनको उनसे जाके मिला, उनसे कहा कि हम लोग एक ऐसा कैंप कर रहे हैं, अगर आप हमारे लिए खाना बनाओ तो आप अच्छा रहेगा। उन खाला लोग को जाके मिलना, फिर यहाँ पूरा सामान मतलब यहाँ की जो 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 खाने पकाने के लिए चीज़ें हैं, फिर बाद में यहाँ जो बॉम्बे से लोग आने वाले हैं उनके एक दिन पहले उनके लिए सारे अरेंजमेंट करना। अब वक्त आया है कि हम इम्तिहान की तरफ जा रहे हैं ताकि दिन भर बच्चों के जो प्रोग्राम्स हुए हैं उनमें जो बातें उनको याद रहे, उनको रिव्यू रहे, और वो आइंदा दिन यानी कि नेक्स्ट डे उसके लिए यानी कि एग्ज़ाम्स होने वाला है, इसलिए अपने यानी कि बाकायदा पॉइंट्स नोट करें और ध्यान से पूरे लेक्चर्स को समाप्त करें। हमें तुम्हारी गुलामी फख्र है लेकिन भुला दिया के गुलामी का मुतवा क्या है, वफा को एक तखय्युल बना लिया हमने, हमें शऊर नहीं। और आपकी अदालत एक खास प्रोग्राम है जिसमें इन बच्चों को जो है वो इन बच्चों को जो हमसे ऑर्गेनाइजर से मुकर्ररीन से किसी भी तरह की कोई भी शिकायत हो तो उस अदालत में ये बच्चे उस शिकायत को रखते हैं, और वहाँ पर जो है वो उस अगर किसी जिम्मेदार से कोई कोताही हुई है तो उसे उस अदालत में सजा भी दी जाती है। नात कहें फिर इस जबान से कैसे तुम्हारी नात कहें, हुजूर फिर भी ये अशआर पेश खिदमत है, अगर जे हर ये ना चीज कम आयार सही, बराए नाम सिनेबत तो तुमसे बाकी है, हजार दामन ईमान तार तार सही, तुम्हारा नाम है तस्कीने रूह जाती, तुम्हारी याद से होता है दिल जवाबी, तुम्हारी याद से होता है दिल जवाबी। अलग अलग मोहल्लों से अलग अलग फैमिली से आए हुए बच्चे, इनका आपस में ताल्लुक और रिलेशन ऐसा हो जाता है जैसे कि एक शीशा पिलाई हुई दीवार। دستورنا القرآن وديننا الإسلام، أركانه الجليلة دعائم الفضيلة، ويا الشهادتان كعيدة الإيمان، والصوم والصلاة وحج والزكاة. और इसी तरह आज चौथा दिन आ गया हमारे वेकेशन का लास्ट दिन, सभी बच्चों को यहाँ से हम लोगों ने मार्केट भेजा, हमारे शेड्यूल में था और लोगों जो उनको अकेला नहीं भेज सकते थे इसके लिए ग्रुप लीडर्स हमारे साथ में गए, दोनों बसें साथ में गई और वहाँ पर बच्चों ने दिल खोलकर परचेसिंग की। To make the testimony in the face of the faith and the fast and the prayer.
फिर वहाँ से आने के बाद दो तीन हमारी प्रोग्राम्स हुए, उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और अभी जाने की तैयारी में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। कुछ रास्ता है पापी, कुछ दूर आ चुके हैं, मंजिल को पाएंगे हम, बेड़ा उठा चुके हैं। कुछ रास्ता है पापी, कुछ दूर आ चुके हैं। हर गोशे वतन में तंजीम छा चुकी है, तलबाओं नौजवानों को ये जगा चुकी है। मंजिल की ओर हर पल बढ़ती चली है, देखो कितने ही इनकलाबात अब तक ये ला चुकी है। दानिशवरान कितने, दानिशवरान कितने साथ इसके आ चुके हैं। कुछ रास्ता है बाकी, कुछ दूर आ चुके हैं, मंजिल को पाएंगे हम, बेड़ा उठा चुके हैं। कुछ रास्ता है बाकी, कुछ दूर आ चुके हैं, मंजिल को पाएंगे हम, बेड़ा उठा चुके हैं। कुछ रास्ता है बाकी, कुछ दूर आ चुके हैं। बिगड़े माशरे की तशकील नो की खातिर, मिल्लत के हर जवां को तैयार कर रहे हैं। तालीम के इदारे मैदान। आखिरी दिन है ये दिन जो है वो, इस दिन जो है वो हम ज़्यादातर जो है वो एक मैन ऑफ दी वीआईसी हम सिलेक्ट करते हैं, और जो तीनों दिन की, चारों दिन की जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें मुख्तलिफ जो है वो पंचोलिटी का अवार्ड होता है, और जो बच्चों ने नोट्स बनाए हैं, डायरी बनाई है, उनके अवार्ड्स होते हैं, उसका सिलेक्शन होता है। एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो है वो हम लास्ट डे यहाँ पर रखते हैं, और उसके बाद जो है वो हम यहाँ से मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ रास्ता है बाकी, कुछ दूर आ चुके हैं, मंजिल को पाएंगे हम, बेड़ा उठा चुके हैं। कुछ रास्ता है बाकी, कुछ दूर आ चुके हैं। रैगिंग का मसला हो या पीस के मसाइल, हर बार आ गए हम इन सब के बिल मुकाबिल। उरियानियत की तालीम जारी ही हो रही थी, पर इस लहर के आगे हम बन के आए साहिल। मगरिब की चाल आके, मगरिब की चाल आके नागाम बना चुके हैं। कुछ रास्ता है बाकी, कुछ दूर आ चुके हैं, मंजिल को पाएंगे हम, बेड़ा उठा चुके हैं। कुछ रास्ता है बाकी, कुछ दूर आ चुके हैं, मंजिल को पाएंगे हम, बेड़ा उठा चुके हैं। कुछ रास्ता है बाकी, कुछ दूर आ चुके हैं। दावत का रास्ता ही तंजीम चाहती है, ये एतदाल वाली एक टीम चाहती है। कॉलेज के कैंपस में उरियान की जगह पर, अखलाकियात वाली तालीम चाहती है। रास्ता है बाकी, कुछ दूर आ चुके हैं, मंजिल को पाएंगे हम, बेड़ा उठा चुके हैं। कुछ रास्ता है बाकी, कुछ दूर आ चुके हैं, मंजिल को पाएंगे हम, बेड़ा उठा चुके हैं। कुछ रास्ता है बाकी, कुछ दूर आ चुके हैं। एक फैसला हुआ था 25 साल पहले,
ये कारवां चला था 25 साल पहले, आओ के अब करें हम ताजा फिर जवानों, वो अहद जो किया था 25 साल पहले। तजदीदे अहद को दस्तन में आ चुके हैं, कुछ रास्ता है बाकी कुछ दूर आ चुके हैं, मंजिल को पाएंगे। इस्लाम की बुनियादी मालूमात देना ये तो समझ लीजिए उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन मेन जो हम कामयाब रहे इसमें कि उनके पोटेंशियल को उनके टैलेंट को हमने बताया। काफ़ी पेरेंट्स ने ये भी कहा है माजी में कि भाई आपने ये गैस की बात, हमारे बच्चा काफ़ी चेंज हुआ है, नमाजों का पाबंद हुआ है, कॉलेज वगैरह का पाबंद हुआ है, और जो काफ़ी इनमें ग्राफिक्स चेंज देखने मिला है, पूरी जिंदगी के एक डायरेक्शन को चेंज कर लिया, वो बहुत संजीदा हो गया अपनी लाइफ में, बहुत ही प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बन के वो उभरे आगे लाइफ में, अपने करियर को लेके सीरियस हुए। हर वीआईसी में ऐसा होता है कि जाने के बाद में यहाँ से बच्चों का जाने का दिल नहीं करता, जिन बच्चों को हम लोग कन्विंस कर करके लाना पड़ता है, यहाँ की इंपॉर्टेंस बतानी पड़ती है कि यहाँ ये ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम है, और वो कन्विंस करने के बाद में यहाँ लाना पड़ता है, वही बच्चे यहाँ से जाने को तैयार नहीं होते। इसको न जश्न समझो हरगिज नबील अपना, ये प्रोग्राम गोया है संग मील अपना, तेजी कुछ और लाओ रफ्तार में यहाँ से, घबराओ मत खुदारा रब है वकील अपना, उसकी मदद से ही हम यहाँ चुके हैं, कुछ रास्ता है बाकी कुछ दूर आ चुके हैं, मंजिल को पाएंगे हम बेड़ा उठा चुके हैं, कुछ रास्ता है बाकी कुछ दूर आ चुके हैं, मंजिल को पाएंगे हम बेड़ा उठा चुके हैं, कुछ रास्ता है बाकी कुछ दूर आ चुके हैं, मंजिल को पाएंगे हम बेड़ा उठा चुके हैं, कुछ रास्ता है बाकी कुछ दूर।